गल्ला मैं लेकर आया हूँ अपनी माँ ने। हेलो गाइज मेरी माँ ले पहुंची है न्यूजीलैंड कल और इसने हेलो गाइज करना सीख लिया। यू हाँ जितना मैं कहूँ उरे रह जा मेरा लगा तो रह जाएगी रह जाऊंगी जावे नहीं ना और मेरे पापा और ले मेरी माँ तो एक दिन मैं इन्हू को उरा रहने तैयार हूँ मैं तो उल्टी कौन जाऊँ जितना मैं रखोगे। ठंडी हवा ठंडी अच्छा चले रुक जा भी माँ तो आया थोड़ी देर और जबकि मेरी माँ मेरा गला आई है पहली बार मेरी माँ ने कहा कि मैंने भूख लग रही है तो मैं हमने खाने के ले हैं थोड़े चिप्स वगैरह। राम राम जी सारे नया स्वागत है एक बार फिर तय परदेसी परिंदे पे। आज मैं बहुत दिन बाद वीडियो शूट कर रहा हूँ जैसा कि तुमने देखा लिया होगा मेरी फेसबुक इंस्टा वगैरह पे कि मैं इंडिया चला गया था एक महीना खातर और अब मैं इंडिया तक वापस आ चुका हूँ और तुमने यहाँ भी देख ली होगी मेरी स्टोरी मैं मेरी पोस्ट में कि गल्ला मैं किसने ले आया हूँ गल्ला मैं लेकर आया हूँ अपनी माँ ने। हेलो गाइस भाई मेरी माँ ले पहुंची है न्यूजीलैंड कल और इसने हेलो गाइज करना सीख लिया। यू इससे पहले क्या दिया था मेरे जो कजन है भाई उनतीस क्या दिया था कि थोड़ा जाकर न्यू करना है हेलो गाइज करना है। तो कल तो भाई वहाँ बहुत ज़्यादा थक गए थे कल पहुँचे थे उरा तो पूरा दिन रात रेस्ट कराया है दिन में भी सो गए थे रात में भी सो गए थे। आज पहला दिन मैं बाहर लेकर आया हूँ मेरी माँ ने माँ मैं उड़ा जान ला रहे हैं जड़ा मैं रही करूँ ओकलैंड था पामिस्टर नॉर्थ और ये बीच रास्ता में रुके हैं। कल भी बहुत ज़्यादा थके हुए फील कर रही थी मेरी माँ और आज भी थोड़ा थके रही है क्योंकि बहुत लंबी ट्रैवलिंग हो रही थी और इसका तो पहली बार होया इतना लंबा सफ़र। तो मेरी माँ पे पूछांगे इसका किसा रहा जहाज का एक्सपीरियंस है जहाज में भी मैं व्लॉग बनाने वाला था मतलब इंडिया था उरा लक्का लेकिन फिर मैंने डिस्टर्ब नहीं करी मेरी माँ मैंने सोचा नेचुरली इसने इंजॉय करने दे देखने दे सारी चीज़ तो छोटी मोटी क्लिप मैंने रिकॉर्ड रखी है इसकी नेचुरल सी एक्टिविटियाँ की अपना आईफोन में तो वो मैं शायद ऐड कर दूँगा इसमें अगर तुम कहोगे तो। और ये आज जो बाहर लेकर आया हूँ मैं इस नाल तो मैम ट्रैवलिंग करने लग रहे हैं कार में तो मेरी माँ उरे भी देखने ला रही है सारी चीज़ा ने ध्यान है इब थोड़ा मेरी माँ पे पूछांगे इसने किसा लग गया किसा इसका जहाज का सफ़र रहा और उरे किसक फील कर रही है इसका जी लग रहा कि नहीं लग रहा किस तरह का उरा वेदर लग गया इसने हरा भरा हर इंद्री सब कुछ है मेरी माँ पे पूछांगे। फिर किस तरह का था तेरा सफ़र जहाज का किक चीज़ लग गई इतना बढ़िया सब चीज़ बढ़िया थी एक सीट कम थी पैर पिछाड़ में भाई तंग होगी मेरी माँ नु तो जहाज आने ना ठीक है बहुत बढ़िया चीज़ बना रखी है जमें घर सब सारे क्या कहो इतने बढ़िया नहीं रहना खाना पीना बस नुका एक तंगी है भाई पैर पसारने सीधी सीट को नहीं है पैर सीधे करने है इस बात ने लेकर थोड़ी ही तंग होगी मेरी माँ। और खाना पीना किसा था बहुत बढ़िया और वहाँ बेस्ट ला भाई अंग्रेजी भी सीख गई मेरी माँ मन ने को नहीं क्या यार यहाँ वर्ड यहाँ आपको बोला और वहाँ कुकर थी संभालन मीट मीट में अच्छा पूरी बटे की तेरी खातरदारी करी है कि नहीं तेरी जो कुछ कहे थी वही ला कर दी थी अच्छा और किसा फील कर रही है फिर तो जहाज में पहली बार भाई बता दूं मैं मेरी माँ अकेली ऐसी औरत है जो पूरा गांव में तो कोई नहीं गई थी आज लग बैर तो मैं लेकर आया हूँ मेरी माँ ने पहली लेडीज है जिसने फ्लाई करा हवाई जहाज में तो मेरी माँ बहुत प्राउड फील कर रही थी मैं अंदर बात करता आ रहा था। और उरा उतर का किसा लग रहा माता ने यू देश किसा लग गया उतरी जद बहुत अच्छा के उरा तने मतलब लोगों का तो बातचीत आले करी नहीं बस देखे देखे हैं साफ सफाई बहुत थी साफ सफाई बहुत है खाना बहुत अच्छा अच्छा बढ़िया जमा मौसम बहुत अच्छा मौसम पूरा इंडिया है हाँ, घर बहुत अच्छे घर भी बढ़िया है घर भी बढ़िया हाले तो एक को रहत रही है मेरी माँ इबो सारा कुछ बहुत अच्छा अच्छा कहा भाई और भी चीजें एक्सपीरियंस करवावांगे इसने। और पेड़ पौधे हरियाली या किसी लागी तने बहुत बढ़िया तेरा जी लाग रहा उरा जितना मैं कहूँ उरे रह जा मेरा लगा तो रह जाएगी जावे नहीं ना और मेरे पापा और ले मेरी माँ तो एक दिन मैं इन्हू को उरा रहने में तैयार हूँ मैं तो उल्टी कौन जाऊँ जितना मैं रखोगे मैंने उरे रह लेंगे। तो उरा मैं एक लेक सी पे खड़े हैं मैं गाड़ी में बैठ के इसलिए बना रहा हूँ बाहर सॉरी बाहर बहुत तेज हवा चल रही है और बाहर कुछ भी आवाज सुनाई नहीं देवा था अगर मैं बाहर खड़का बनाता तो जैसे कि तुम देख सको मैं एक लेक पर रुक रहा हूँ बीच में इसका भी सीन था मैं दिखाऊंगा बाहर लेकर क्या ना तो आगे कंटिन्यू करेंगे मैम शायद लेट नाइट तक पहुंचा अगर रास्ता में कड़ियाँ रुकूंगा तो ओड़ा भी दिखाऊंगा ओड़ा भी बातचीत करेंगे मेरी माँ गला तोड़ी और देसी देसी ही।
रास्ता में कड़ियाँ बढ़िया सी स्पोर्ट पर रोक का, एक दो जगह और कहीं बातें पूछेंगे। मेरी माँ ना लेके सा फील कर रही है, हाले तो पूरी बाबू जी बढ़ रही है। मेरी माँ चश्मे होनी तार रही, कड़ियाँ भी ले जू नहीं जना मैं। पहले मैं चश्मे ला भाई पंप पर ले जू या कड़ियाँ भी है ना, रुका नहीं आवा मैं तो। पहले मैं चश्मे डाउन करा फिर आगे चल रहा है। देख लो भाई इसने फैंसी लेडी ना, चल कहते मिलते हैं गाइज, मिलते हैं गाइज। मजा आ रहा भाई, बने रही और भी मजे आवेंगे। डर रही थी मेरी माँ उड़ान दौड़े का, मैं को नहीं आती उड़ा उड़े खड़ी रहती। किसी लग गई जगह बढ़िया, सारी चीजें ना बढ़िया बढ़िया कि मैं और भी कहते ठंडी हवा ठंडी हवा। अच्छा चले रुक जा भी माँ, अब तो आया थोड़ी देर भाई। चल ना रुक जा भाई, अल्लाह ठंड लग गई मेरी माँ ने तो इतनी देर में भाई। लाभ मेरी माँ ने तो जमा ठंड चढ़ गई नुका, चाल चाल दो मिनट खड़ी हुई थी बहर इतनी तेज हवा में जाडा लग गया बड़ा पड़ गया पास। ले ऊपर में कर ले हाथ बांडा पड़ गया मेरी माँ का तो भाई। ले चल ना आगे का दिखा होगा तब ने पड़े रहो। हो ला भाई माम पहुंच गए डेजर्ट रोड पे। डेजर्ट रोड कही करें इसने, मतलब इसका दोनों तरफ काइंड ऑफ डेजर्ट है, कुछ नहीं होता। और यू बिल्कुल जो नेशनल पार्क वाली पहाड़ी है और तो सामने दिख है, इस पर कितनी बर्फ़ पड़ रही है लग यार कमाल है। और इसकी वजह से उधर इतनी ज़्यादा ठंड है। मेरी माँ तो बाहर भी निकल रही, माँ मैं थोड़ी देर रुके थे उधर थोड़ा रिफ्रेश होने खातर, बहुत देर हो गए चल रहे थे लगातार। तो मेरी माँ ने पूछ लूँ कितना ठंड लग रही है, कोट भी दे दिया मैंने तो। कितना गर्म पूरा ठंड बहुत ज़्यादा पूरा पूरा हाँ ज्यादा लग रहा है, कितना भी वैसे भी हीटर चलावेंगे थोड़ी देर में। तो भाई मेरी माँ ने तो बहुत ठंड लग रही है, क्योंकि मेरी माँ यूज टू नहीं है इस वेदर का, तो थोड़ी ही ठंड फील कर रही है नॉर्मल में भी। लेकिन उरा तो सच में ठंड है, मन भी लग रही है जाए तो मैंने कोट पहन ली। और आगे गई रात होने पे है थोड़ी देर, तो बने रहो लास्ट तक। बाकी इस व्लॉग में तो स्पेशली मेरी माँ इंट्रोड्यूस करानी थी तरत है, बाकी तो आगे तो दिखाऊंगा एक एक एक्सप्लोर करूंगा मेरी माँ का गला में, और यार मेरी माँ ने एक दिखाऊंगा मेरी माँ ने कड़ा कड़ा कमाऊंगा। लवी रात के बज गए 9:30 तकरीबन, और माँ मैं पहुँचने वाले हैं अब, मतलब एक डेढ़ घंटा और रह रहा। और जबकि मेरी माँ मेरा गला आई है पहली बार, मेरी माँ ने कहा कि मैंने भूख लग रही है, तो माँ ने खाने के लिए थोड़े चिप्स वगैरह और गड्डी में बैठ कर खाओगे, मेरी माँ का उरा बैठ कर खाओगे, बाहर हो जाएगी जल्दी कहना पहुँचाएंगे तो बैठ कर थोड़ी देर खाओगे, थोड़ी के चलते चलते खा लेंगे इनकी। और डेढ़ दो घंटा में और पहुँचाएंगे शायद, माम ने 11:30 बज जाए, बने रहो। लवे रात के 11:30 बज गए और मम्मी पहुँचे हैं। मेरी माँ ने तो नुगा दूध का दे दे कप और चौड़ा के लड्डू जो से इंडिया से लाए थे वहाँ लग रही है खाना, राम में तो जो से चिप्स सबसे लिए थे वहाँ सुबह दुकान लग गए तो खाए को नहीं, भूख लग रही थी। ये माँ मैं सहज सहज मैं जहाँ तक बोलूँ मारा साइड वाला कमरा में और भी सुते पड़े हैं, मैं उनकी डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। समान समान मारा सवेरे तार है गाड़ी में था, और एक तो मम्मी सो आराम था कह दे वहाँ गुड नाइट गुड नाइट सी यू लेटर सी यू लेटर। मेरी माँ ने भूख लग रही है भाई, मेरा दूध का कप ही उधर है। और बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।